कंध टप के घर च वड़ गए छे लुटेरे, परिवार नू बन के कीती कुटमार, फिर कीती इन्नी वड़ी चोरी, शायद सुन के तुसी भी हैरान हो जाओ। तो दस दिए कि चोरी की वारदात हुई है जिथे अद्धा दर्जन चोर घर के कंध टप के दाखिल होंगे ने, तो इन्हों वलों घर के मौजूद परिवारक मैंबर बन लिया जाता है, तो फिर उन्होंने कुटमार की जाती है, जिस तों बाद इन्हों वलों घर के पई कैश और गहनों बारे पूछा जाता है। जो घर मालिक उन्होंने मना कर देता है तो उस दे नाल कुटमार की जाती है, तो हथों पाई की जाती है, फिर इन्हों वलों वड्डी लुट की वारदात को अंजाम दिता जाता है। तो तुहानू दस दिए कि इन्हों दे वलों करीब 9 लाख रुपया कैश और 12 तोले सोना मौके तो चोरी कर लिया जाता है, जिस तों बाद मौके तो फरार हो जाते हैं। तो इन्नी वड्डी लुट की वारदात करके भी यह डरते नहीं, सगों आराम दे नाल गलियां दे विचों लंघते ने, जिवें इन्हां नू कोई डर ही नहीं हुंदा, जो कि सीसीटीवी कैमरे दे विच भी कैद होए ने। इस संबंधी घर मालिक ने दसिया कि उसने दुकान बेची सी, उसका करीब 8,50,000 रुपया कैश उसके घर रख्या होया सी, ते लुटेरे घर की कंध टप के अंदर दाखिल होंदे ने, ते उसके परिवारक मैंबरां नू उन्हां वल्लों बंधक बना लिया जांदा है, ते उन्हां दे मूँह ते टेप लगा दी जांदी है, ते जद इसने पैसे देने तो मना कर दिता तो उन्होंने उसके नाल हथों पाई की कुटमार की। तो इस दौरान उन्होंने घर के अलग अलग जगह पे कैश और गहने बारे पता किया, तो सारे चोरी करके मौके तो फरार हो जाते हैं, जो कि यह सीसीटीवी कैमरे के भी कैद हुए हैं। तो दस दिए कि मामला यमुनानगर तो सामने आया, जिथे पीड़ित शख्स ने इस चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दी है, तो पुलिस इन्होंने लुटेरिया की भाल के लग गई है। डकैती हुई थी कल रात, छः सात लोग आए थे हमारे कमरे में और हमें बंदी बना लिया था, हमारे चेहरे पे टेप टूप लगा दी थी, हमारे हाथ बांध दिए थे और फिर हमारे मम्मी पापा एक कमरे में आ गए थे। तो तुम्हारा भी कुछ आपसे कुछ कहा हमारा बेटा? नहीं, बस हमारा हमें मतलब फेस फूस हमारा बांध दिया था, हाथ बांध दिए थे हमारे, हमसे पूछा था पैसे वगैरह कहाँ है, हमारे पास कोई सोना है कि नहीं, फिर हम मम्मी के रूम में आ गए थे और हमारे कमरे में 2-3 लोगों को छोड़ दिया था पहरेदारी के लिए, फिर उन्होंने मम्मी और से पापा के साथ मार पिटाई हुई, पापा को मारा और पैसे पूसे भी मांगे, पापा ने पहले ही 1.5 लाख रुपए दे दिए थे, फिर उसके बाद और भी मतलब चाबी चुबी नहीं मिली तो सब कुछ लॉक वगैरह सारे तोड़ दिए उन्होंने। तो जो लोग आए थे इनके पास कोई हथियार वगैरह? हाँ, उनके पास चाकू थे 3-4। तो किसी को सूचना भी दी आपने, मैसेज किया किसी को? हाँ, हमने मैसेज कर दिया था। चुपके से हमने मैसेज करा था, हमारे पास 2 फोन थे तो हमने एक उन्हें पकड़ा दिया था और एक से मैसेज वगैरह कर दिया था, कॉल तो हम कर नहीं पाए तो हमने मैसेज कर दिया था उन्हें। तो किसको किया था मैसेज? हमारे पड़ोस में किया था, एक को, लड़के उन्होंने को देख लिया था। हाँ, उन्होंने मैसेज सीन कर लिया था, फिर उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी थी। तो पुलिस कितनी देर बाद आ गई थी? पुलिस 4:15 तक आ गई थी। चोट तो नहीं लगी आप लोगों को, बच्चों को? नहीं, हमें चोट नहीं लगी, बस पापा को लगी है चोट। रात को आया 5-6 बंदे घर में और अंदर घुस गया, घर का मेन डोर जो है ना खराब हो गया मेरा, वो ठीक कर रहे थे, खुला हुआ था, मेन गेट बंद था, मेन गेट से अंदर आया, दीवार टपक के अंदर आया होगा, आगे मेन गेट खोल दिया, खोल के अंदर चला गया, चक्कू था सारा के हाथ में, बंदूक बंदूक नहीं था, चक्कू था, हाथ बंद रखा हमारा, उनके मुंह बांध रखा था, फिर हमारे मुंह में टेप टूप लगा दिया, फिर जहाँ जहाँ पैसा पैसा था, उस पैसा तो मेरा था डर में ही, वो निकल के दे दिए मैंने 1.5 लाख रुपये, एक जगह जमीन बेचा था उसका पैसा था 7 लाख रुपये, वो लॉक दिए, चाबी दिए नहीं उसके मैंने, वो लॉक तोड़ा इनका मारपीट करके, तो वो लॉक तोड़े लिया लोग, तोड़ के उसमें से भी पैसा निकला 7 लाख रुपये, टोटल 8.5 लाख रुपये लिया, 10 तोला सोना था, 10-11 तोला एक डायरे में, वो भी थोड़ा लोग चाबी दिया नहीं हम उसका, इसलिए हाथा भाई होते रहा, आधा घंटा करीब था लोग अंदर, आधा घंटा हाथा भाई होते रहा मेरे साथ। तो वो लोग टोटल 6 जने थे, 2 जने तो मेरा बच्चा का रूम में था, 4 जने मेरे रूम में था। कितने बजे की वारदात है ये? करीब 3:30 बजे के आसपास किया है और 4:15 बजे निकला है लोग। तो किसी पे शक है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि? नहीं, ऐसे तो लग नहीं रहा जी, कोई शक का थ्रू किसी को कह दूँ मैं। चोरों को पता था कि इतनी अमाउंट पड़ी हुई है आपके घर पे? ये तो मेरा जो अमाउंट पड़ा था किसी को नहीं पता, मैं अभी दुकान बेचा था उसका पैसा था। हाँ जी, मुँह ढके हुए थे? हाँ, ये 2-4 तो ढके हुए थे मुँह, मफलर मोबाइल से बना रखा,
एक दो खुला था, अभी बाद में रूमाल बना मुंह पे घर के अंदर जाने, चक्कू था सारा घर में, चोट-चाट लगी किसी का। मेरे साथ थोड़ा हाथा भी हुआ, मेरे यहाँ लगा, ये जो मारा था ना यहाँ लगा, इधर कर रहा अभी गया नहीं डॉक्टर पे, अभी ना ना हाथ जो हाथा भाई होते रहा ना। सीसी कैमरा ने मेरा उस टाइम की एक डेढ़ घंटा के लिए बंद कर रखा, पता नहीं कैसे बंद कर रखा, वो चल नहीं रहा उस टाइम की, उसके पहले भी चल रहा है, उसके बाद का भी चल रहा है, लेकिन उस टाइम की नहीं चल रहा है। उस टाइम ये वारदात हुई, रिकॉर्डिंग चल रहा है लेकिन फोटो नहीं आ रहा किसी का, ब्लॉक हो रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा इस सिस्टम, तो पहली बार ये नहीं पता लग रहा जी कैसे कर रखा हो। पुलिस आई थी, क्या कार्रवाई? पुलिस तो रात को ही आया, 112 में फोन करा, वो भी आया, सारा लोग छानबीन करके गया, देख दुख के गया, बातचीत कर रहा है, कर रहे, देख रहे हम कर रहे, अल्लाह जाने वो कितना करेगा क्या करेगा। तो सीसीटीवी में कुछ नज़र आया? बाकी सीसीटीवी चेक कराए, यहाँ दो सीसीटीवी था कैमरा, इसमें चेक करा, ये लोग गया छः बंदा पैदल है, यहाँ से आया पैदल, सारा कैमरा चेक करा, वहाँ तक जो होटल का वहाँ से ना ऐसे पैदल ही आया लोग, छः बंदा लाइन से ही आगे अभी इधर से ही। तो जब वो लोग अंदर दाखिल हुए, कोई संपर्क करने की कोशिश करी पुलिस से या किसी से? जिस टाइम वो लोग अंदर गया तो मेरा जो बेटिया था उनके पास मोबाइल था, वो मैसेज कर दिया किसी को, वो लोग फिर 112 में फ़ोन किया, वो लोग आते आते मतलब 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा दिया, तब तक ये लोग निकल गया। तो उस दौरान मारा भी, उन्हें पता भी लगा कुछ नहीं, आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं किसी से? नहीं, मेरे को तो करने के मौका ही नहीं दिया, चार आदमी था मेरे रूम में, जो बच्चा का रूम में था ना वो जो बैठा बैठा ना कम्बल के नीचे मैसेज कर दिया किसी को। आज सुबह हमें सूचना मिली थी डायल 112 के माध्यम से, फजरुल हक नाम का व्यक्ति है, उसके घर में 6 नाम पता ना मालूम व्यक्तियों ने अंदर घर में घुस के उनके घर से करीब 8.5 लाख रुपए और करीब 10-11 तोले सोने की जो है वो लूट कर लिया है, और जिस पर सारी हमारी पुलिस की जो सारी टीमें हैं ना वो लगी हुई हैं, और जल्दी हम इसको 1-2 दिन के अंदर इस मैटर को हम सॉर्ट आउट कर देंगे। नहीं, इसमें किसी को कोई ऐसी चोट नहीं लगी है, किसी भी परिवार के सदस्य को, लेकिन 1-2 थप्पड़ मुक्काबाजी 1-2 हुई है, लेकिन कोई ऐसी कोई गंभीर किसी को चोट नहीं है। नहीं, उनको डरा धमका के उनसे लूट की गई है, कोई हथियारों का किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन उनको जो चाकू की नोक पे उनसे जो पैसों की लूट की गई। देखो, जो उन्होंने हमारे को बताया उनके मुताबिक घर में 8.5 लाख रुपए और करीब 10-11 तोले सोना था, जिसकी लूटपाट की गई है। नहीं, उनके चेहरे वो पहचान सकते हैं सामने आने पर, वो 6 नाम पता था, ये लोकली लड़के हैं और जल्दी हम इन तक पहुंच जाए। हाँ, उनके जो जो बच्चे हैं, जो कमरे में 3 लड़कियां थी उनके मुंह पे उन्होंने टेप लगा दी थी, और जो उनके हाथ थे वो लेसिस से बांध दिए थे, जिस कारण वो शोर नहीं बजा सकी, और लेकिन साथ ही हमारी टीम में पहुंच गई थी, और जल्दी हम इनके जो कैमरे हैं ये लग रहे हैं देख रहे हैं, जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। हाँ, हमें तो उनका आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तकरीबन उनकी शक्लें देख ली हमने, और जल्दी हम उनको वेरीफाई करके, और हमारी जो सी आई ए की सारी टीमें लगी हुई हैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश अनुसार, जल्दी इनको काबू कर लेंगे।